तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वैरी कर सकती है डिजिस्ट्रा में वो देखा था, और कौन कौन से तीन हमारे पॉइंट्स थे जो अफेक्ट डालते हैं हमारे डिजिस्ट्रा के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, वो हमने देखने की कोशिश किए थे। तो पहला पॉइंट था कि एंड टाइम डिलीशन फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू, दूसरा पॉइंट था फाइंड एडजेसेंसी ऑफ ऑल वर्टिसेस, इसमें कितना टाइम लगेगा ये भी आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ ई टाइम्स हम जब की डिक्रीमेंट कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू में से, तो ये आपके डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जो हम है वो थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। हम लोग अब मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट का इस्तेमाल किया था, तब हमारी ऑर्डर ऑफ एन प्लस ई लॉग एन आई थी, और आज हम लोग मैट्रिक्स और मिन हीप का यूज कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू के लिए। ठीक है, तो एंड टाइम डिलीशन फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू एज ऑफ लास्ट ही रहेगी, क्योंकि मिन हीप ही यूज किए थे हम लोग। ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एक के लिए लॉग एन टाइम लगता है, एन के लिए एन लॉग एन टाइम लगेगा। फाइंड एडजेसेंसी ऑफ ऑल वर्टिसेस, तो मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगता है, लेकिन लिस्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर ऑफ एन प्लस ई टाइम लगता है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। प्रायोरिटी क्यू में की डिक्रीमेंट लास्ट में हमने देखा ही था, ऑर्डर ऑफ ई लॉग एन। ठीक है, अगर हम देखें एन स्क्वायर लॉग एन से बड़ा होता है, एन लॉग एन से बड़ा होता है, तो हम लोग एन लॉग एन को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि लोअर ऑर्डर कम है, बेफालतू में क्यों बढ़ाना। लेकिन अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे तो ई लॉग एन है, लेकिन बच्चा ई लॉग एन जो हमारी है वो मिनिमम एन से लेके एन स्क्वायर तक वेरी कर सकती है, या आप बोल लो वन से वेरी कर सकती है, वन से एन स्क्वायर तक जा सकती है। कैसे एन स्क्वायर जाएगी, आप मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। तो जो हमारा ई है वो वेरी कर सकता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के टर्म्स में। तो जो आपका ई, अगर आपका हम बोले बेस्ट केस ले लेते हैं, तो की डिक्रीमेंट में एक एच को फर्क करके लॉग एन भी दिला सकता है, साथ ही साथ में अगर वो एन स्क्वायर एच को अफेक्ट करेगा तो एन स्क्वायर लॉग एन भी ला सकता है, इसलिए हमें ई वाला टर्म लेके चलना पड़ेगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ ई लॉग एन। ठीक है, तो आपका जो बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी एन स्क्वायर और टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन, तो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। और अगर आपको थीटा नोटेशन में लिखना हो तो थीटा ऑफ एन स्क्वायर प्लस थीटा ऑफ ई लॉग एन, इसको आप ऐसे ही ले सकते हैं अगर कोई बच्चे बोलते हैं तो, एन स्क्वायर प्लस ई लॉग एन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख लो वैसे भी लिख लो दोनों सेम ही। ठीक है, तो ये आ गई हमारी, और जो बेस्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी मैट्रिक्स के केस में वो रहेगी एन स्क्वायर और वैसे एन स्क्वायर लॉग एन। वहां पे कितनी आ रही थी हमारी, जब हम लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे आ रही थी ऑर्डर ऑफ एन प्लस ई लॉग एन, मतलब बेस्ट केस में हमारी एन लॉग एन हो सकती है, वर्स्ट केस में एन स्क्वायर लॉग एन तक जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ वेरिएशंस हो गए हैं, दो वेरिएशंस हमने कर लिए हैं यहाँ पे, टू कर लेते हैं इसको, दो वेरिएशंस हमने कर ली हैं, एक में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन प्लस ई लॉग एन आई थी, इसमें हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है एन स्क्वायर प्लस ई लॉग एन। ठीक है, याद रखें यहाँ पे एन प्लस ई ब्रैकेट में है, होल मल्टीप्लीकेशन है लॉग एन के साथ, तो आपका ओवरऑल एन लॉग एन आ सकता है, सॉरी एन लॉग एन से लेके एन स्क्वायर लॉग एन तक हमारी वेरी कर सकती है, और इधर एन स्क्वायर से ई लॉग एन तक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम लोग और वेरिएशंस के साथ आएंगे। ठीक है, कौन कौन से वेरिएशंस होंगे उसके ऊपर देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।